हाय एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल की तरह अंडा करी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो चलिए, एक कढ़ाई लेना है। यहाँ पे मैंने अंडा उबाल के रखा था, तो उसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और सारे एग को अच्छे से रख दीजिए और अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। तेल अच्छे से गर्म होता है तो अंडा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे अच्छे से निकाल लीजिए। अब इसी ऑयल में हम लोग 1 चम्मच जीरा और 2 छोटे प्याज कट करके डाला है, 3 तेज़पत्ता, और इसे अच्छे सॉफ्ट होने तक पकाएं। तो यहाँ पे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से भून लीजिए। तो ये अच्छे से भून गया है। तो अब यहाँ पे 3-4 टमाटर लिया है, इसे अच्छे से चॉप कर लिया है बारीक बारीक। अब ये डाल दीजिए। टमाटर का ही ग्रेवी होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। सो ये टमाटर गल गया था, अब 1 चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड किया है। अब यहाँ पे चली मसाला ऐड करते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा से थोड़ा कम मिर्च का पाउडर लेकर इसे अच्छे से भून लीजिए। मसाला जितना भुना होता है ना, उतना ही अच्छा होता है। तो ये अच्छे से भुन गया था, थोड़ा और पानी ऐड करके अच्छे से भून लेना है। तो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करके बॉयल होने तक छोड़ दीजिए। हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है ग्रेवी। तो इसमें अंडा डाल के 7 या 8 मिनट तक इसे पका लीजिए। तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। सो आप लोग इंजॉय कीजिए। सब यहाँ पे निकाल के सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।